दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको महाभारत की सेनाओं की संख्या के बारे में बताऊंगा कि महाभारत के युद्ध में सेनाओं की संख्या कितनी थी, उन सेनाओं में कितने हाथी, कितने रथ, कितने घोड़े और कितने पैदल थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हम में से बहुत सारे लोग यह जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 अक्षौणी सेनाओं के मध्य हुआ था। अब बात यह आती है कि एक अक्षौणी में कितनी सेनाएं होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक अक्षौणी में 218,700 सैनिक होते हैं। 218,700 सैनिकों में हाथियों की संख्या 21,870, रथों की संख्या 21,870, घोड़ों की संख्या 65,610 और पैदलों की संख्या 109,350 थी। 218,700 में 18 का गुणा करने पर 39,36,600 आता है। उन 39,36,600 सैनिकों में हाथियों की संख्या 393,660, रथों की संख्या 393,660, घोड़ों की संख्या 11,80,980 और पैदलों की संख्या 19,68,300 थी। उन 18 अक्षौणी सेनाओं में 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पक्ष में थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पक्ष में थी। उन 11 अक्षौणी सेना में सैनिकों की संख्या 24,05,700 थी, जिनमें हाथियों की संख्या 2,40,570, रथों की संख्या 2,40,570, घोड़ों की संख्या 7,21,710 और पैदलों की संख्या 12,02,850 थी। उन 7 अक्षौणी सेना में सैनिकों की संख्या 15,30,900 थी, जिनमें हाथियों की संख्या 1,53,090 थी, रथों की संख्या 1,53,090, घोड़ों की संख्या 4,59,270 और पैदलों की संख्या 7,65,450 थी। कौरवों की संख्या पांडवों की संख्या से 8,74,800 अधिक थी। दोस्तों, अगर हमें सैनिकों की संख्या पता हो तो हम हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। अगर हमें सैनिकों की संख्या दी हुई हो तो सैनिकों की संख्या में अंतिम का जीरो हटा देने पर हमें हाथी और रथ की संख्या ज्ञात हो जाती है। वहीं हाथी की संख्या में 3 का गुणा कर देने पर हमें घोड़े की संख्या ज्ञात हो जाती है। हाथी, घोड़े और रथ की संख्या को जोड़ देने पर जो संख्या आती है वह पैदलों की संख्या होती है। आइए समझते हैं कैसे। माना जब सैनिकों की संख्या 24,05,700 है, तब इसके अंतिम का शून्य हटा देने पर हमें हाथी और रथ की संख्या ज्ञात हो जाती है। हाथी की प्राप्त संख्या में 3 का गुणा कर देने पर हमें घोड़ों की संख्या ज्ञात हो जाती है। घोड़ों की संख्या 7,21,710 आ जाती है। फिर हाथियों की संख्या, रथों की संख्या और घोड़ों की संख्या को प्लस कर देने पर हमें पैदलों की संख्या ज्ञात हो जाती है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।